गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एग्जाम्पल 5 तक बताया था और आज हम आपको एग्जाम्पल 6 बता रहे हैं। और एग्जाम्पल 6 में बच्चों कहा गया है इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस बी अपॉन बी माइनस ए कॉस सी। तो इसमें हमने राइट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड ले लेने के बाद ये हो जाएगा सी माइनस ए कॉस बी और अपॉन बी माइनस ए कॉस सी। अब बच्चों इसमें ये मैटर है कि हम आपको बताएं कि अब लेफ्ट क्यों नहीं ली, राइट क्यों नहीं ली। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगी बच्चों? परफेक्ट। तो बच्चों ये हो जाएगा सी और सी की वैल्यू होती है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। और बच्चों ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये जो है आपका प्रोजेक्शन फार्मूला बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ये प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया आपका और ये ए कॉस सी, ये प्रोजेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने। क्या लगा दिया बच्चों? प्रोजेक्शन फार्मूला। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और बच्चों ये आ गया बी कॉस ए और सी कॉस ए। और बच्चों कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो काफी दिक्कत आ जाएगी आपको। इसीलिए अब इसमें बी की जगह पर साइन रूल लगा दिया जाएगा और साइन रूल होता है के साइन बी और ये हो जाएगा के साइन सी। बच्चों के से के कैंसिल, साइन बी अपॉन साइन सी हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। अब देखिए इसमें आपको मैं जो बता रहा हूं सिक्स का फोर्थ पार्ट, सिक्स का फोर्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें कौन सा फार्मूला लगाया? ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, सी की वैल्यू होती है। ये प्रोजेक्शन फार्मूला मुझे लगता है आपने लर्न कर लिया होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका सिक्स का जो है फोर्थ पार्ट, सिक्स का फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी। ये है बच्चों और ये लाना है आपको ए प्लस बी प्लस सी। कितना लाना है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पहले मैं एग्जाम्पल कराता हूं फिर एक्सरसाइज पर आ जाता हूं। आप लोग को मैंने एक्सरसाइज में होमवर्क दिया भी है कि आप लोग 5-5 क्वेश्चन रोज उसके करते रहिए, जो एक्सरसाइज चल रही होती है उसे ध्यान से 4-5 क्वेश्चन। ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी। बच्चों ये और ये हो गया b cos a cos b plus c cos a। ये और ये ले लिया a cos c और बच्चों ये और ये ले लिया c cos b। बहुत इजी है, plus b cos c ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये आ गया ऐसे सेट किया, देखिए b है तो यहां एंगल cos b आ गया, यहां a है तो एंगल cos a आ गया। फिर बच्चों देखिए यहां पर c है तो ये एंगल c आ गया, a है तो यहां एंगल a आ गया, c है तो एंगल c आ गया, b है तो एंगल b आ गया। ये कौन सा फार्मूला मैं लगाना चाहता हूं? प्रोजेक्शन फार्मूला। फर्स्ट वाला हो जाएगा c, सेकंड वाला हो जाएगा b और थर्ड वाला हो जाएगा ए। तो फर्स्ट वाला बच्चों कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास सी और ये बी और बच्चों ये हो जाएगा ए, ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और बच्चों हम लोगों के पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी अच्छे हैं। फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए मेनली, और फार्मूले नहीं लर्न है तो सभी कठिन हैं। और अब देखिए बोर्ड पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वो भी अच्छा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है देखिए। हाँ तो बच्चों अब एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ आ गया हमारे बोर्ड पर। एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ में बच्चों ये कहा गया है cos a अपॉन b cos c प्लस c cos b प्लस cos b अपॉन c cos a प्लस a cos c प्लस cos c अपॉन a cos b प्लस b cos a, ये आ गया बच्चों। इसमें बच्चों ये है कि cos a और नीचे वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू a हो गई, और cos b और ये वैल्यू b हो गई, और cos c और ये वैल्यू बच्चों c हो गई, ये वैल्यू c हो गई a b c। और बच्चों लाना जो भी है cos a का फार्मूला लगाइए, ये होता है b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, और यहां बच्चों टू बी सी और आएगा, और ये टू ए सी और आएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, और ये सी और हो गया बच्चों, ठीक है। तो सब पे एलसीएम सेम सा बन गया, वो इसीलिए ये इस हिसाब से क्वेश्चन सब बने होते हैं कि वो हो जाए। सब में एलसीएम बच्चों सेम हो गया, और सेम हो जाने के बाद 2abc एलसीएम हो गया 2abc, और ये बच्चों हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और बच्चों b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी सी, ये टू ए बी सी हो गया बच्चों। तो यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो है 11th, वो 11th जो है सीधे सीधे दूसरे तरीके का है, और वो कहते हैं कि इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू इतना। डेल्टा मींस है एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा जो अभी बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं से समझिए, अभी जो मैंने पढ़ा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11th, और उस 11th एग्जांपल में ये कहा गया है बच्चों कि in any triangle ABC prove that delta is equal to ये b square plus c square minus a square upon 4 cot a, ये हो गया 4 cot a, ये delta है। delta means होता है area of triangle, ये area of triangle है, और area of triangle होने के बाद b square plus c square minus a square upon 4 cot a। तो बच्चों इसमें ये तो लिया नहीं जाएगा, ये सिंबल है सिर्फ, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। राइट हैंड साइड आप ले लीजिए, और बच्चों राइट हैंड साइड पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 cot a, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 cos a बच्चों, और sin a ऊपर चला जाएगा, और sin a ऊपर चला जाएगा, तो cot a को क्या लिखा जा सकता है, cos a अपॉन sin a, जो अपॉन वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में बच्चों चली गई, और न्यूमरेटर में चले जाने के बाद ये जो है आपका ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका जो एलसीएम जो अपॉन वाली वैल्यू है 2bc वो ऊपर जाएगी, ये हो गया। और अभी साइन वाला मैटर रह गया, cos a की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अपॉन में 2bc आएगा, 2bc बच्चों ऊपर चला जाएगा, और 2bc जब ऊपर चला जाएगा तो
उसके बाद हमारा है साइन ए बच्चों, अब वो साइन ए रह गया है और साइन ए जो है वो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं साइन ए, ये और ये कैंसिल हो गए पूरे, टू से टू बच्चों कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू में डेल्टा इज इक्वल टू, अभी डेल्टा मत लिखिए, ये आ जाएगा हाफ बी सी साइन ए और हाफ बी सी साइन ए में बच्चों हो जाएगा टू टू या फोर हो जाएगा बच्चों, टू टू या फोर और ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू बी सी साइन ए, वन अपॉइंट टू बी सी साइन ए हो जाएगा, ये बी सी साइन ए हो जाने के बाद जो है हाफ बी सी साइन ए, ये आपने फार्मूले मैंने आपको डेल्टा यानी ये लिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूले मैंने आपको बताए हैं कि डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए हाफ ए बी साइन सी, थ्री फार्मूले हैं सब आपको बच्चों लर्न होने चाहिए। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, डेल्टा की वैल्यू हो गई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये सिंबल है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये डेल्टा से डिनोट होता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपको 13th कराने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी का भी है बच्चों और बहुत लंबा भी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा मैं लिख के नहीं रख रहा हूं और आपको पूरा क्वेश्चन करके बोर्ड पर समझा रहा हूं और उसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। कॉपी और बुक और पेन अब आपके हाथ में होना चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत दिन हो गए, अब आप समझदार हैं, ठीक है। ये है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड एनी ट्रायंगल के लिए ए कॉस ए और प्लस बी कॉस बी सी कॉस सी, ये दे रखा है बच्चों और एट डेल्टा स्क्वायर अपन एबीसी लाना है, तो बच्चों एट और ये इन ट्रायंगल एबीसी में है, इसी ट्रायंगल के लिए डेल्टा तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देखिए और जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं एक बार देख के करा करिए और एक बार बिना देखे रोज कराएंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, बिना देखे नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा बच्चों साइन रूल, अब साइन रूल में आप बहुत दिन से समझ रहे हैं कि ए अपॉन साइन ए और ये है बी अपॉन साइन बी और ये सी अपॉन बच्चों साइन सी इज इक्वल टू के, तो बच्चों ए की वैल्यू हो गई के साइन ए और के कॉमन कर ले रहा हूं साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी और ये हो गया साइन सी कॉस सी, आ गया बच्चों, ठीक है। और इसमें बच्चों टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टू साइन ए कॉस ए और ये हो जाएगा बच्चों टू साइन बी कॉस बी, आप जानते हैं क्यों करा जा रहा है ऐसा, और ये हो जाएगा बच्चों टू साइन सी कॉस सी, क्यों करा जा रहा है उसका रीजन है, ठीक है। अब आप देखेंगे पढ़ाई कैसे स्पीड पकड़ रही है धीरे धीरे, ठीक है सभी लोग, ठीक, और धीरे धीरे आप लोग रूटीन वर्क पे आइए क्योंकि स्थितियां काफी अभी स्कूलों के लिए और पढ़ाई के लिए अच्छी है या नहीं है ये गवर्नमेंट तय करेगी बच्चों, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है लेकिन पढ़ना रोज ही है। ये हो गया बच्चों साइन टू ए प्लस साइन टू बी और ये हो गया साइन टू सी, ये आ गया बच्चों, इसीलिए मैंने करा था ये काम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि साइन रूल लगाने के बाद टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया और बच्चों उसके बाद यहां पर मैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दूंगा, किसका फार्मूला लगा दूंगा साइन सी प्लस साइन डी का, और ये याद रखिएगा कि शुरुआत में साइन रूल से जैसे चेंज हुआ है ए अपॉन साइन ए से तो डी एंड बी उसी से ही बच्चों होना है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका के बाई टू साइन सी प्लस साइन डी टू साइन और ये हो जाएगा टू ए प्लस टू बी बाई टू और कॉस टू ए माइनस टू बी बाई टू और ये हो जाएगा साइन टू सी, ये हो गया बच्चों। और इसके बाद जो है ये टू ए बाई टू और ये हो गया टू साइन
ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन टू सी, या साइन सी प्लस साइन डी का यहां पर बच्चों फार्मूला लगा दिया, आपको याद होगा और ये आपके सामने है। और के बाई टू देखिए कितना बढ़िया टेक्निक से गुजरता हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर साइन पाई माइनस सी लगा देंगे और कॉस ए माइनस बी, और बच्चों इसे लिख देंगे टू साइन सी कॉस सी, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर से वही आ गया साइन टू सी, फिर से वही आ गया टू साइन सी कॉस सी। टू साइन सी कॉस सी आ जाने के बाद बच्चों क्या करना होगा जरा ध्यान से देखिए, ये पाई माइनस सी कहां से आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है बच्चों पाई, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई माइनस सी हो जाएगा बच्चों, और ये टू कॉमन होके पहले कैंसिल कर देते हैं जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, और ये हो गया साइन सी, इसकी जगह क्या लगा दिया साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी कॉस, ये हो गया साइन टू इंटू नाइनटी माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन टू इंटू नाइनटी माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया, साइन टू इंटू नाइनटी का मतलब साइन पाई होता है, साइन टू इंटू नाइनटी माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये 90 का मल्टीपल इवन है तो साइन सी हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों साइन सी कॉमन हो जाएगा, और साइन सी कॉमन हो जाने के बाद ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का कॉस सी, और इतना हो जाने के बाद हम लोग देखिए अब भी देखिए अब भी ये पूरा सब आपके है यहां पर, अब जैसे ही यहां पर इस समय पूरा क्वेश्चन हो चुका है स्क्रीनशॉट कॉपी पर नोट करने के लिए, ठीक है बच्चों। और इस समय फिर हम लोग ये काम करेंगे कि आपके पास के साइन सी हो जाएगा, और के साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा बच्चों, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा के साइन सी कॉस ए माइनस बी 2 इंटू नाइनटी माइनस थीटा, 2 इंटू नाइनटी माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा 2 इंटू नाइनटी माइनस थीटा, यहां c की वैल्यू लगा दी पाई माइनस ए प्लस बी, ये हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी, जैसे कहां से आया पहली बार तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई से आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई से, और 2 इंटू नाइनटी, 2 इंटू नाइनटी सेकंड क्वाड्रेंट में गया, 90 का मल्टी इवन है तो ये cos cos ही रहेगा, ये आ गया आपके सामने। अब मैं नीचे का सब रफ करता जा रहा हूं, और ये हो गया बच्चों के साइन सी, और के साइन सी कॉस ए माइनस बी, और माइन सॉरी अब फिर से वही लाइन लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, और ये फार्मूला हो गया के साइन सी, और ये फार्मूला हो गया टू साइन ए साइन बी का बच्चों, किसका हो गया टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, और बच्चों ये साइन सी हो गया, ये आ गया बच्चों टू साइन ए साइन बी साइन सी आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और इतना क्लियर हो जाने के बाद यहां पर जरा सा मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो है वो आपको है कि प्रूफ लाना है, प्रूफ लाने में ये हो जाएगा बच्चों जरा देखिए, ये हो जाएगा आपको साइन बी और साइन सी में हटा देना, आपने एक फार्मूला सुना होगा डेल्टा हाफ ए सी साइन बी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है डेल्टा से डिनोट हो रहा है, और दो को चेंज कर दे रहा हूं, तीनों को नहीं चेंज करूंगा, दो को देखिए यही टेक्निक है, और ये डेल्टा इज इक्वल टू दूसरा, अच्छा यहां से मैं टू डेल्टा अपॉन ए सी ये लिख लेता हूं और साइन बी की वैल्यू निकाल देता हूं, वी नो डेल्टा इक्वल टू हाफ एसी साइन बी है, डेल्टा इक्वल टू कितना बच्चों हाफ एसी साइन बी, तो बच्चों ये टू इधर आ जाएगा तो टू डेल्टा अपॉन एसी हो जाएगा, एसी इसके नीचे चला जाएगा और साइन बी की वैल्यू,
साइन बी की वैल्यू यहां लगा देंगे और फिर एंड डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, ये हो गया 2 डेल्टा अपॉन ए बी और 2 डेल्टा अपॉन ए बी साइन सी की वैल्यू है। ये देखिए चेक करिए, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके 3 फार्मूले होते हैं, हमने साइन ए को ऐसे ही रहने देना है, साइन बी और साइन सी चेंज कर दीजिए, मर्जी बच्चों आपकी है, आप चाहें तो साइन ए और साइन सी चेंज करिए, साइन बी साइन सी चेंज करिए, आप चाहें तो साइन ए साइन बी चेंज करिए, कोई 2 वैल्यू चेंज कर दीजिए बच्चों। देखिए साइन बी की वैल्यू यहां से निकाल ली, डेल्टा का टर्म चाहिए, दोनों डेल्टा, डेल्टा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए सी साइन बी, और ये हो गया बच्चों 2k साइन ए और ये हो गया 2 डेल्टा अपॉन ए सी इंटू 2 डेल्टा अपॉन ए बी, ये आ गया बच्चों हमारे सामने। अब ये फिर पूरा बोल्ड भर गया है, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बच्चों फिर क्या हो जाएगा 2 to the 4 to the 8, ये 8 हो गया 8k साइन ए और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग रुके हुए हैं, ठीक ध्यान से देखते रहिएगा, 2 to the 4 डेल्टा 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 स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर बी सी हो गया, ए स्क्वायर बी सी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, के साइन ए सब इज इक्वल टू, मैं लगातार चल रहा हूं, ध्यान से देखिए ये इज इक्वल टू चल रहा है सब में, ठीक है, और के साइन ए जो आपने पहले लिखा होगा आपकी कॉपी पर होगा, के साइन ए साइन रूल से स्मॉल ए हो जाएगा, यानी साइड ऑफ ए हो जाएगा, और साइड ऑफ ए हो जाने के बाद अब ये देखिए पूरा बोर्ड फिर साफ हो गया और ये आपका यहां से मैं लिख देता हूं अब ऊपर ये हो जाएगा 8a a स्क्वायर bc बच्चों, ठीक है, ये आ जाने के बाद अब आपका प्रूफ आ चुका है और कैसे, ये हो जाएगा 8 डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए बी सी, यही प्रूफ करना था। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 6 मार्क्स देगा, 6 मार्क्स अच्छे होते हैं और आज आप एक्सरसाइज के फिर क्वेश्चन करेंगे कुछ, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।